नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में, बहुत एकदम ताज़े वीडियो में, सीधे हमारे गांव से। तो आज हम दरअसल हैं जल्दी में, क्योंकि हमने कर दी है बहुत देर। कहाँ जाने के लिए? नीचे शिवालय जाने के लिए, क्योंकि ये हमारे वहाँ से सर आइए फ्रेम में, इनने 6 बजे के 8 बजा दिए हैं, और क्योंकि नीचे अभी धूप आ रही, तो फिर धूप बहुत हो जाएगी, तो हमने बहुत चलना है, 4-5 किलोमीटर का ट्रैक है। तो अभी फिलहाल हम चलते हैं, बाकी जो स्टार्ट करते हैं, हाँ स्टार्ट करते हैं, बाकी आपको दिखाते रहेंगे धीरे धीरे। ट्रैक है कम से कम 5-6 किलोमीटर का ट्रैक है। हाँ, तो अभी पूरा नीचे जाना है, फिर नहाना है धोना है, पूरा शिव जी का मंदिर है वहाँ पूजा करनी है, उसके बाद 5-6 किलोमीटर ऊपर। और अब आज से हमारी नवरात्र स्टार्ट हो गई है, अब अभी हम नीचे जाके जब नहा धो लेंगे तो धोती पहन लेंगे, तो अब हम अगले 10 दिन तक धोती पे ही रहेंगे, और पूरे दिन भर में रात को एक बार सिर्फ फल खाएंगे, ठीक है? तो वो आपको आगे आगे ब्लॉग में पता लगते रहेगा। हाँ। बाकी अभी मैंने आपको एक समरी दे दी, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सब तरफ पूरी हरियाली हरियाली हो रही है, वो हम आपको बाद में दिखाते रहेंगे बाकी वीडियो में। फिलहाल तो बाकी लोग जो चल रहे हैं वो हमें गाली दे रहे होंगे, 1 घंटा रुका दिया करके। बताओ, हम लोग इतनी लेट आ रखे हैं, ये लोग अभी तो तैयार नहीं हुए हैं। तो ये है हमारे मुंटरदा अमन, इन लोगों का घर, कमल लोगों का घर। बताओ अभी तक इसने अपने टी शर्ट भी नहीं डाल रखी है, ऐसे ही सो के उठ। ये आ गए हमारे मुंटरदा, मुंटरदा के चरणों में प्रणाम। ये अभी सो के उठ रहा है, क्योंकि वहाँ जाके नहाना वहीं जाके है, तो ये अभी सोया ही था अभी तक, अभी कपड़े पहन रहे हैं। 5 बजे उठा पड़ा हूँ ना, 3 बजे ये उठा रहे, कमल बोल के 3 बजे उठा, 3 बजे उठा दिया होगा, उस टाइम उठा फिर सो गया होगा। क्यों? वो यहाँ पर है मंदिर जहाँ पर की आज से नवरात्रि, मतलब सब लोग बैठेंगे। बाकी यहाँ हरियाली देखो आप, ये है यहाँ पर घर। उधर नीचे जाना है, अभी दिखाएंगे आपको। ये तो ये मिल गए हमारे शेखर भाई, नमस्कार आप सभी का। और ये हम पहुंच गए नीचे हमारे मंदिर में, भूमि देवता वाले, जय हो। एक अभी और फिर अभी पीछे हो गए हो। ये वाला व्यू देखो आप लोग, ये हमारे गांव का ही तोक है, सामने जो मकान दिख रहे हैं वो ऊपर दिख रहे हैं, वो भी, ये भी हमारे गांव के लोग हैं जो जा रहे हैं। हाँ, अभी हमने जाना कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से पहले हम वो स्कूल पे जाएंगे, वो सामने हमारा प्राइमरी स्कूल है गांव का, फिर उसके बाद उधर नीचे जाएंगे हम, जो हमारा ईड़ाकोट वाला तोक है जहाँ हमारा पुस्तैनी घर है, उसके बाद उधर से इनके पेड़ों के पीछे से ऐसे होते हुए वो सामने जो रास्ता दिख रहा है आपको पीछे उधर, वो उधर, भाई मेरा तोंद मत दिखा तू, तो वहाँ से होते हुए फिर अभी आगे को नीचे, उधर नीचे है गधेरे में शिवालय। तो बहुत लंबा ट्रैक है, तो अभी तो हमने बस शुरू ही किया है ये समझ लीजिए, तो घर गाँव से बस निकले ही हमें। मैं पूरे 6 महीने बाद वापस आ रहा हूँ। चाचा जी वो देखो ना, लंगूर, लंगूर नहीं देखते भैया, चलो चुपचाप। तो मुझे ये हरियाली देख के जितनी खुशी हो रही है, मैं तो शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। शेखर भाई आप भी बाहर थे ना, कैसा लग रहा है, मतलब कितने दिन हो गए? एक महीने पहले आया था। अच्छा, हाँ इनको तो चलो पुराने हो गए हैं, कंबल भी बहुत टाइम से ही है, लेकिन आगे आने को तो कल आया हूँ। अच्छा 3 महीना पुराना मोटा पतला, चलो दिखाई देते फिर। उधर लंगूर देखो गाइस, वो देख रहा है झाड़ियों के बीच से। लंगूरों को हमारे यहाँ गुनी कहते हैं, और बंदरों को कहते हैं बानर। तो गुनी बानर, गुनी तो दिख गया, अभी बानर नहीं दिखे हमको, क्योंकि हम कल रात तो पहुंचे ही हैं अभी। बानर तो कॉमन है शायद। हाँ भेजती होगी। इसने कहा अभी कि मैं बताता हूँ हुआ क्या करके, इसने बोला कि मैं पूरे कितने साल बाद देख रहा हूँ उनको, गुनी को, तो गोलू लंगूर को, तो क्या कहते हैं आगे से गोलू भाई बोल रहे हैं, अपने को तो रोज देखता होगा तू। अरे गोलू भाई हम घड़ी तो लाए ही नहीं, बोलते कि मोटी भेजती होगी, मेरे फोन में काउंट हो रहे हैं। हाँ चलो, हमने मतलब क्योंकि डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि एक ने बोला 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर तो नहीं है यार, 1 किलोमीटर। अरे 1 किलोमीटर या तो स्कूल तक होगा। और ट्रैक देखिए आप कैसा है, वैसे रास्ता ऐसा देखिए, 7-8 किलोमीटर का है पूरा। यार निकाल ले तली यार, इतना दिन हो। ये देख घास, ये सारी घास अभी कटेगी वो जानवरों के लिए चारे के लिए, इसको भी सुखा के इसे लूटे लगाए जाएंगे। यही है घास वो अभी हरी है अभी। ये देखिए, ये पूरा हमारे गांव का इलाका है,
अच्छा हाँ, हम जिस मंदिर में जा रहे हैं उसके बारे में हमने आपको बताया ही नहीं। दरअसल आपने उसे मेरे चैनल पे अगर किसी ने सबसे पहले वीडियो देखी होगी तो उसके बारे में थी। ओ काकी, ये देखो चाची हमारी घास काट रही है यहाँ पे। तो ये जो मंदिर है इसके बारे में हमने आपको भी बताया नहीं, मैं बताने वाला था पहले बीच में। तो दरअसल जैसे आपने चंपावत के बालेश्वर मंदिर का नाम सुना होगा, तो इस मंदिर का नाम भी बालेश्वर है, लेकिन ये उस मंदिर से भी प्राचीन है। और हुआ ये था कि जैसे जब अंग्रेजों का शासन था तो यहाँ का जो ताम्रपत्र था तो कम से कम आज से 1500 साल पहले को जाता है, यानी कि जो प्राचीन जो कार्तिकेयपुर वंश था उसके ताम्रपत्रों में इस मंदिर का जिक्र है। और इसका जो ताम्रपत्र है उसको जो चंपावत का बालेश्वर का मंदिर है, क्योंकि नाम सेम थे तो लोगों को लगा कि ये वहाँ का ताम्रपत्र, मतलब पता नहीं किस तरह से गड़बड़ हुई, लेकिन मान लिया गया था कि ये वहाँ का है। लेकिन फिर बाद में पता चला कि जब उनने फिर उसकी ट्रांसलेशन वगैरह किया अच्छे से तो पता चला कि नहीं नहीं यहाँ का है, बल्कि यहाँ से लेके जाया गया है उसको। तो ये आसपास के जो हमारे गांव हैं करीब करीब 15-20 गांव, इनका मुख्य शिवालय है। तो ये अब हम पहुँचने वाले हैं ईड़ाकोट फिलहाल, बाकी मंदिर के बारे में आपको बाद में बताएंगे। ये नीचे देखिए आप, आवाज़ सुनिए गौर से, यह नदी है, इसके नीचे है उधर अभी सेवानी का धारा भी आएगा, उसका पानी बहुत ठंडा होता है गर्मी के दिनों में। कमल को नहलाएंगे उसमें अभी हम, मुझे नहीं नहलाते कमल, कमल को अपने तो उसको वो क्या कहते हैं सांस फूल गई है, तो मेरी मैं बोल रहा हूँ तो उससे काम चला ले रहा है कमल। आजकल पतला हो गया मैं लग रहा है इस बार। यहाँ पर है वो सामने है मशान देवता का मंदिर, तो वहाँ पर यहाँ ये मतलब उनका यहाँ से जाते टाइम उनको उनको प्रणाम करने की जगह है, मतलब सलाम या प्रणाम जो भी कहते हैं उसकी जगह है। यहाँ पर सब हाथ जोड़ते हैं कि क्योंकि अब हम जा रहे हैं इतने कठिन रास्ते से, तो हमारे सफ़र को मतलब कुछ वो ना हो, गड़बड़ ना हो जिसमें, तो उसके लिए हाँ। देखें तो अभी दिखाऊंगा मैं आपको, इतना ऐसी गहरी खाई है यहाँ पर कि थोड़ा सा पाँव फिसला तो लेकिन अगर उनकी फिर कृपा रहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता है रास्ते में, पूरा सफ़र आपका आराम से कटेगा। तो ये देखो ये है खाई, इतना सा रास्ता और नीचे उधर को देखिए पूरा वहाँ जाएगा, नहीं तो मतलब हम कोई वैसे दिखा रहे हैं, देखिए पूरा उधर जाना हमने, ऐसे उतरना है यहाँ पर से। सुनिए आप आवाज़ पानी की, ये पूरी पानी की आवाज़ है। ये अब हम पहुँच चुके हैं हमारी लोकल की नदी, गाड़ कहते हैं इसको। ये देखिए रास्ता ऐसे है, इनमें चलना इन पत्थरों में हमने। और ये है सेवानी का धारा जिसके बात करते हैं, इसका पानी ऐसा होता है अभी जब ज़्यादा ठंडा बन जाएगा तो पानी इसमें से गर्म, क्योंकि भूजल है तो भूजल का ऐसे ही रहता है कि अब धीरे धीरे गर्म होने लग जाएगा, और ठंडे के दिनों में सॉरी गर्मियों के दिनों में बहुत ही ठंडा एकदम। तो सेवानी मतलब जो सेव जैसे कि छाया, मतलब वो क्या कहते हैं सेवानी मतलब कि छाया वाली जगह, पूरा यहाँ धूप नहीं पहुँचती ऊपर को तो वहाँ से निकल के आ रहा है, इसलिए इसको सेवानी कहते हैं। तो पत्थर है, इससे पहले हम घुस के खेला करते थे इसमें से फिसलने का। अरे पत्थर छोड़ो, मकड़ी के जाले देखो, इतना छोटा होता था, मतलब अभी हम छोटे होते थे ये बहुत बड़ा लगता था, अब इतना छोटा सा लग रहा है। ये देखिए आप कद्दू हो रहे हैं यहाँ पे, मकड़ी के जाले, मकड़ी के वो तो सुबह सुबह होते हैं अभी, उसकी वजह से ज़्यादा दिखते हैं। तो कद्दू देखिए आप, ये हमारा मतलब जैसे पहले क्या करते थे कि हमारा घर इधर हुआ था एक और एक ऊपर, तो जैसे गर्मियों के दिनों में ऊपर वहाँ को चले जाते क्योंकि वहाँ थोड़ा ठंडा रहता था, जाड़ों के दिनों में यहाँ को आते थे। और उनके से पहले लोग भाभर भी जाते थे लेकिन वहाँ नहीं गए, जो वो ऐसे करते थे क्योंकि ये थोड़ा नीचे वाला इलाका है, गधेरे वाला घाटी वाला, तो यहाँ थोड़ा गर्म रहता है मौसम जाड़ों में। ये सारे पानी की सिंचाई वाले खेत हैं इधर, ये हमारी दीदी दीदी की बकरियाँ देखो यहाँ छोटी छोटी, गोलू पाल लेते हैं। ये व्लॉगर से पहले फोटोग्राफर पहले पहुंच जाएंगे, ये सबसे बड़ी दिक्कत, वो सबसे चालाक है ऊपर पहुंच रखा है। अरे सबसे बड़ी वहाँ भाभी हमारे कपड़े धो रही हैं। ओ भाजी ठीक रहा, ओ इतना ढोक दिन टाइम रुक के आया, रुक रहा वो तो मिस कर दे। ये देखिए ये हमारा पुश्तैनी घर है, अब थोड़ा हालत ऐसी है इसकी क्योंकि यहाँ हम तो मतलब रहे नहीं कब से। ये मेरे पीछे है हमारे गांव का सबसे बड़ा पीपल का पेड़, मतलब इससे बड़ा पीपल का पेड़ एक वहाँ था लेकिन अब वो टूट गया, मैं दोबारा वही बोल रहा हूँ। अभी इसके पास है सबसे बड़े पीपल के पेड़ का किताब, यहाँ से ही पानी आ रहा है देखिए। ये ऊपर से भूस्खलन होते होते यहाँ इतने पत्थर आ गए, नहीं तो पहले पूरा अच्छा था, पूरा रोडें बन रही हैं जैसे
तो उसका भी मलबा नीचे को आता है, तो वो यहाँ तक पहुँच गया पूरा, जबकि वो एक डेढ़ दो किलोमीटर करीब ऊपर है वैसे वो जगह रोड वाली, मतलब सीधी चढ़ाई में, वैसे तो ज़्यादा दूरी है लेकिन नीचे चलते हैं। चल साइड साइड निकल जाए, तेरा मन क्या कर रहा है, वहाँ देखने का मन हो रहा होगा। चल जैसे अभी हमारे पास दो रास्ते हैं गांव के बगल से निकलने का, हमारे मैथनल टोक से शेखर कह रहा है मेरे को याद आ रही है वहाँ की, तो वहाँ से देखते हुए चलते हैं घरों को। तो हम घरों को रास्ते चल रहे हैं, ये छोटा सा झरना ऐसा हो गया है, पानी तो इस बार बढ़ रखा है बहुत। ये देखो ये ऐसे पत्थरों गिराते हुए जा रहा है यहाँ से, देखिए जैसे जैसे भी हाथ हाथ वो मारता है ना अपना, ऐसे कर रहा है जहाँ पैर रख रहा है बिल्कुल भस 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 हो रही है। एक जैसे ये आई नदी, एक हमारे जो उधर इराकोट से आई, तो ये दोनों जगह पहले आगे मिलेंगी, फिर सब नीचे जाके जो वहाँ मंदिर वाली वो है बालेश्वर मंदिर वाली जो नदी है वहाँ मिलेंगी। वो ये कभी इतने आबाद थे घर, अब देखिए आप उनको, ये है उनका, किनका किनका अपन है, अपन का अपन का घर है। अब वो लोग भी देख रहे होंगे पक्का वीडियो, तो आपका घर हम दिखा दे रहे हैं आपको, अपन का घर है वाले, ऐसा दिवाली भी बनने वाली है। और ये रवीश का घर, बबलू का, बबलू रवीश का घर है। ये वाला किसका है? ये वाला किसका है जिसमें तीन लोग हो रखे हैं? अमन दादी के पैर में बिच्छू घास लग गया, नंदा लोगों का। हाँ ये नंदा लोगों का है, इसमें पिनालो भी जम रखे हैं। ये रोहित लोगों का घर है। हाँ अच्छा गाइस, उनके पैर पे बिच्छू घास लग गया। अभी मत खा, तुमने क्या खा सकती? चलो तुम्हारा भी व्रत होगा। तो होने को तो दरअसल है कि ये दो दो घर, जैसे मैंने बताया था आपको कि एक घर कहीं और भी है उनका, तो थोड़ा बहुत उस वजह से भी हो रखा है। तो शेखर भाई कुछ आगे और भी घर है उनको भी दिखा रहे हैं। ये मसान था आजीवों का घर, कौन सा आप देख रहे हैं इधर कोई घुमाइए। अच्छा, यहाँ से रास्ता था, अब सारे बिच्छू घास से बिच्छू घास हो चुकी है। ये मसान था आजीवों का घर है, आजीवों का दिखा देना। ये आगे और भी घर है ऐसे। कमल भाई आते रहे हमारे साथ, ऐसा हो चुका है यहाँ। देखिए पहले कभी अब बहुत इतनी लंबी दाखिल होती होगी, आपने होली देखी होगी, यहाँ पे होली में आए थे हम, यहाँ पे होली गई थी हमने फर्स्ट क्लास वाली। अचरा मेरे छोड़ श्याम तेरी गौ चली वृंदावन को वाली, ये रंगीला का घर है। रंगीला का घर है। हाँ ये बरेली के सोनू का मावकोट है यहाँ। हाँ, वहाँ है उधर, मतलब ये वाला। हाँ बरेली के सोनू का मावकोट, बरेली वाले सोनू कमेंट कर देना, तेरा मावकोट दिखा दिया हमने तेरे को। और ये उसका है, नविंदा लोगों का, केशव दा। हाँ केशव दा नविंदा लोगों का, खोल भीणा वाले। ये दिनेश उनका, ये दिनेश लोगों का, जो क्या होगा ये है नीचे सुरेश दा लोगों और वो दीपक लोगों का घर उधर, मतलब अगल बगल में इनके दो घर हैं इसमें। ये उनके दाड़ी हमारे ब्यानार का छोटा भाई, और एक केले भी पके हुए हैं, पके हुए कभी केले ऐसे छोड़ते नहीं है। अभी हम पता अभी व्रत है, अभी तो खाने का कुछ है नहीं, आने वक्त पक्का खाएंगे, इसमें से अमरूद भी खाएंगे। अमरूद तो व्रत वालों को धीरे-धीरे पर कोई खाओगे केले? हां मेरे तो व्रत है, व्रत में केले तो खाते हैं, एक ही टाइम खाने वाला है, नवरात्रि वाला हो ना। अरे तो गाइस अब इन घरों को गुनी बांदरों ने भी छोड़ दिया है, क्यों यहाँ देखिए उतने सारे दाड़म हो रहे हैं, केले का पूरा वो चाक लग रखा है जो पूरा होता है, अमरूद हो रहे हैं, उनको भी कोई खाने वाला नहीं है, इतना यहाँ से पलायन हो चुका है। पूरे इतने घर दिख रहे हैं आपको, इतना हमने आपको घर दिखा दिए, सब एक परिवार का एक घर है, मतलब एक एक चार चार भाई हो रखे हैं, पांच पांच भाई हो रखे हैं, मतलब ऐसे परिवार हो गए एक परिवार के, लेकिन यहाँ सिर्फ अभी एक हमको ताऊजी मिले थे वो हैं बस, अब यहाँ पूरा बल्कि पूरा एक खाली हो चुका है, पूरा करने वाले कोई ऊपर गाँव में चले गए, एक आध लोग बाकी कहीं बाहर चले गए, ऊपर जहाँ पे हम रहते हैं, मतलब मेन वाले गाँव में एक आध परिवार वहाँ चले गए हैं, बाकी सब पहाड़ों से बाहर। ये देखिए ताला नया है लेकिन कुंडी पुरानी है, पहले ऐसे सांगू होते थे, सांगू बोलते हैं इनको, और ये पहले के घर है, इसमें देखिए पहले जो होता था पहले ऐसे इसे कुंडी होती थी, और ताला तो खैर अभी नया ही है, बट सांगू बोलते थे, कुंडी नहीं बोलते थे। तो ये सब आपको, ये सब आपको ना ये अभी का नहीं है, ये कम से कम 100-200 साल पुरानी चीजें हैं जो आपको दिखा रहे हैं, और ये अभी भी इतना, देखिए आप अभी भी इतना मजबूत है कि मतलब आज के जो घर है उनसे भी ज्यादा मजबूत है ये, जस्ट बिकॉज 150-200 साल तो होगा, एम्प्लॉयमेंट है और उसकी वजह से लोगों को जाना पड़ा, बट ये चीज बहुत अच्छी है। जी मेरा नैनिहाल भी यानी कि गोलू का घर,
वो उस तरफ था, वो जो घर दिख रहे ना उधर सामने से अभी दिखाएंगे आपको हम। शेखर लोहा घर भी है उधर को, ऊपर वाली पट्टी हमारी है, पूरी पट्टी अब कोई नहीं है। वो सामने ऊपर सबसे ऊपर वो वाली पट्टी, उसमें शेखर लोगों का था, इधर को ये फिर वो भैरव चाचा लोगों का, नवल लोगों का, उधर नीचे को फिर हमारे बुआ लोगों का और इन लोगों का, गोलू लोगों का, हमारे नैनिहाल मतलब उधर को है। ये देखिए सबसे नीचे वाला हमारी बुआ लोगों का घर, उसमें आप पेंटिंग देखिए इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग, उसके उधर को गोलू लोगों का था। और इधर को देखिए पूरी यही पट्टी हुई थी, हुआ करती थी ये मैथ पार, पार का मैथ ना एक तरफ का, एक मैथ ना उधर का था, मैथ ना तो हुआ हमारा अभी दुबड़ा के आधे घर चले गए ऊपर। हाँ ये पकड़ हो गया, ये बीच की पट्टी खंडर बन चुकी है, इधर जो भगीरथ ताऊ जी है उनका बीच की पट्टी अभी खाली हो चुकी है। हाँ वो तो पूरी उसमें तो निशान भी नहीं है उसके। और जो लास्ट पट्टी हमारी पट्टी दिख रही है उसके ऊपर की पट्टी ये जो पार्टी की है उनकी है, उनकी वाली वो वाली पट्टी। यानी कि यहाँ लगभग लगभग सबके एक एक घर इधर भी हुए इस एरिया में, इसके यहाँ हुए। टूट गई यार किसकी, ये देखिए हादसा हो गया है, पहले बिच्छू लग गया बेचारे को, अब चप्पल भी टूट गई, पहले बिच्छू लग गया ऊपर चप्पल भी टूट गई बेचारे की, तब तो जूते में आया भैया। और ये ऊपर है ये उनका, नहीं नहीं व्रत है पर मैं चप्पल पहन, ये ऊपर के घर जो है अभी आपको दिख नहीं रहे, रवीश दा लोगों के घर है इधर ऊपर है, यहाँ थोड़ा सा ऊपर को है रवीश दा लोगों के, और इससे ऊपर भी अभी रवीश दा कौन है, बरेली वाले रवीश दा, भून दा, हरीश दा, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ बीच में नदी है, मतलब जो मकान है मकान के बगल से जो नदी आई थी उसके बगल को पूरे, ये जो अभी झाड़ियाँ दिख रही सारी आपको, ये बुआ लोगों के घर से नीचे को, ये सब पूरे खेत हैं वो उधर तक, लेकिन अब देखिए इनकी कैसे हालत, खेत मतलब पूरी सिंचाई वाले जैसे जिनमें रोपाई होती थी सब कुछ होता था अच्छी खासी, लेकिन अब देखिए कैसी हालत हो चुकी है इनकी, लोग ही नहीं है तो फिर अब खेती कौन करेगा खैर। और ऊपर को देखिए आप, बाग भी नहीं दिख रहा यार बाग, तो ये लोग अब देख रहे हैं यहाँ पर से हमारे शिवालय का व्यू, वो सामने है शिवालय, उधर अभी हमने और जाना है, और ये नीचे है एड़ी देवता का मंदिर भी, और यहाँ पे धर्मशाला भी हुआ करती थी मैंने जो आप बीच में दिख रहा है आपको, तो यही पूरा एरिया है जो कि पुराने ताम्र पत्रों में गोलना सेरी यानी गुरुना सारियाम करके शब्द मिलेगा आपको बहुत सारे ताम्र पत्रों में, वो जगह यही है उसके किनारे स्थित है। और आपको मैं चलो यहाँ से दिखाता हूँ कि जो ऊपर खेत दिख रहे हैं आपको, ये नीचे शिवालय है उधर, और ऊपर जो खेत हैं तो पहले माना था कि सब ये धनेसा गया है नीचे को, पहले मंदिर बहुत बड़ा था और यहाँ पर था, इन खेतों के साथ सीध में ही था, लेकिन वो भूस्खलन की वजह से थोड़ा सा नीचे को दब के अब मंदिर भी जैसे पुराना धीरे धीरे टूट जैसा गया हो, अब पुराना तो बहुत कम बचा है वहाँ पे, सब नया ही बन गया है, तो पहले ऐसे था ये उन खेतों की सीध में था और धसने की वजह से वो नीचे चले गया है, लेकिन पहले बहुत विशाल मंदिर रहा होगा उस टाइम पर जब बनाया गया होगा इसको, तो अब तो एक पुल भी बन गया, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पर पार करते थे, यही एक रास्ता था मतलब उसको पार करने का, हमारे लिए कोई नहीं रुके बताओ, ये सब आ रखे यहाँ पे, कमल ला रखे, नवल आ रखे है। दादा आप कितनी देर पहले आए? हम आए सुबह 8 बजे यहाँ पहुँच गए थे, उसके बाद हमने स्नान ध्यान किया और जलाभिषेक किया भगवान भोलेनाथ का, और उसके बाद हम अभी जलाभिषेक करने के बाद निवृत्त होके यहाँ पर चाय पानी। अच्छा नहाओ धो जल चढ़ाओ फिर हमारे साथ बैठो ऊपर। हाँ हाँ हम नहाते पहले फिर स्नान करते हैं मतलब सॉरी नहाने पानी में भैया।